फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप अपने सफेद बालों को काला बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान और घरेलू तरीके से, तो आज की रेमेडी आप जरूर देखिएगा। इसे मिस मत करिए। पूरा इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे किचन में अवेलेबल है। बस इसे ही आपको लगाना है, इंप्लीमेंट करना है और अपने बालों को आप इसे काला बना सकते हो, घना बना सकते हो। बाल अगर टूट रहे हैं, चाहे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है। साथ ही साथ आपके जो स्कैल्प होते हैं, जैसे कि अगर ऑयल छोड़ते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी आपको मिलने वाला है छुटकारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस रेमेडी को हमें किस तरह प्रिपेयर करना है और लगाना है हमें अपने बालों पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। को प्रिपेयर करने के लिए आप अपने सफेद बालों पे अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है बेसन। जी हाँ दोस्तों, बेसन से हम अपने बालों को कैसे काला बना सकते हैं, ये रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक चम्मच के तकरीबन आप यहाँ पे बेसन का यूज जरूर करें। ठीक है, बेसन बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों हमारे बालों को तेजी से काला, लंबा और घना बनाने के लिए। ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा शाइन प्रोवाइड करते हैं। और जब हम अपने चने का दाल हम जब बेसन के रूप में कन्वर्ट करके अपने बालों पे लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें नॉरिशमेंट भरपूर मिलता है। अब आपको यहाँ पे ना कोकोनट ऑयल का यूज करना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से नॉरिशमेंट देगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा स्कैल्प से। जब आपके बाल हेल्दी होंगे स्कैल्प से, रूट से, तो ये बहुत ही तेजी से आपके बालों को ना लश्चर प्रोवाइड करता है, हेयर फॉलिकल को आपके स्ट्रांग बना देता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज करना है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे लेना है एलोवेरा जेल। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको एक चम्मच के तकरीबन यहाँ पे एलोवेरा का यूज करना है इसी के अंदर। और सबसे पहले इस इंग्रेडिएंट को आप बना लीजिए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी सी आपकी एक क्रीमी टेक्सचर बन जाएगी जो आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, बालों को आप काला करने के लिए इन सारी चीजों का यूज जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए, अब मैंने आप लोगों के साथ में एक रेमेडी शेयर की थी लास्ट टाइम, जैसे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये क्रीमी बटरी टेक्सचर आपको ये रेडी कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा है ये दोस्तों। और जब अपने बालों पे लगाएंगे ना, तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही कमाल की रेमेडी बनकर के ये रेडी हुई है हमारी। देखिए, हमारी ये रेमेडी रेडी हो चुकी है। इसी के अंदर हमें ऐड करना है यहाँ पर ये चारकोल, जिसे हमने बनाया है हल्दी से। हल्दी हमारे बालों को हेल्दी बनाती है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाती है, हमारे बालों को तेजी से काला बनाती है। जब आप अपने जड़ों पे इसके स्कैल्प में आप इसका यूज करोगे ना, तो ये आपके बालों को इंस्टेंटली ब्लैक करने का बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए दोस्तों, आपको इसे लगाना है कम से कम एक घंटे तक इस यूज करना है आपको इस रेमेडी को। देखिए, इसे यहाँ पे आपको इस चारकोल को, हल्दी वाले चारकोल को मिक्स करना है। आराम आराम से करिए क्योंकि ये पाउडर जड़ा सा उड़ती है। तो देखिए, ये आपका ब्लैक डाई, आपका नेचुरल ब्लैक डाई आप इस तरह से पे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमने ये नेचुरल ब्लैक डाई में इसे कन्वर्ट कर दिया है, ये देख सकते हो आप। और ये नेचुरल ब्लैक डाई बहुत ज्यादा सेफ है दोस्तों, बिल्कुल भी आपके बालों को हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं। बाल आपके तेजी से लंबे, काले और घने हो जाएंगे। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, देखिए, जब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करोगे तो इसकी स्मूथनेस देखिए, टेक्सचर देखिए कितनी प्यारी है। आपको इसी तरह से अपने बालों पे इसका यूज करना है और कम से कम इसे 30 या 40 मिनट्स के लिए अपने बालों पे लगा के रखें। फिर इसे थोड़े से लूक वार्म वाटर से आप अपने बालों को धो लीजिए। ये है कमाल की रेमेडी, नेचुरल हेयर डाई जो आप घर पे ही इजीली बना सकते हैं सिर्फ बेसन का यूज करके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल डीआईवाई और होम रेमेडीज के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।